So good afternoon, everyone. Once again, I Priya Upadhyay welcome you all to the official YouTube channel of Reddit 24/7. एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं Reddit 24/7 के ऑफिशियल YouTube चैनल पर. सो स्टूडेंट्स, दिस टाइम आई एम बैक विद अनदर सेशन एंड देन टू विथ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड द टॉपिक फॉर टुडे. एज यू ऑल कैन सी दैट वी आर गोइंग टू कवर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टुडे. आज हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, ठीक है. अच्छा, अब बात कुछ ऐसी है कि अगर अभी तक सेशन शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो. बट उन सबके पहले बताओ कि कैसे हैं आप लोग, कैसे हालचाल, पढ़ाई पढ़ाई कैसी चल रही है, और घर पे सब सेफ है नहीं सेफ है, सब सही है नहीं सही है. पहले ये कुछ बेसिक हालचाल बता दो यार, ज़रा सा, मतलब इतना तो पूछना बनता ही है पहले, है ना. तो जल्दी से बता दो सब बढ़िया है नहीं बढ़िया. तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ और बता देती हूँ कि आपके मेरी मुलाकात दिन भर 2 बार हो रही है. एक बार हम लोग 9 AM पे मिलते हैं डिफेंस सेंटर पे सीडीएस, फिर हम 3 PM पे भी मिलते हैं डिफेंस सेंटर सीडीएस पे. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिराज, रॉबिन, सोनिया, गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है, टुडे इज़ द मंथ एंड मंथ का फेब्रवरी का. देखो फेब्रवरी 2022 के भी 2 महीने निकल गए यार, और टाइम पता ही नहीं चला ना. मतलब टाइम इज़ रनिंग सो फास्ट, इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है कि जिसका कुछ कहना नहीं है. और आज मंथ का लास्ट है, तो इसी लास्ट पे तुम लोगों के लिए मंथ एंड डबल वैलिडिटी ऑफर भी आया हुआ है. मतलब कि आप डबल वैलिडिटी 6 महीने का बैच 1 साल के लिए वैलिड करके पढ़ सकते हो, 1 साल वाला 2 साल के लिए वैलिड करके पढ़ सकते हो. बस आपको क्या करना है, महापैक को अवेल करना है और Y277 कोड लगा करके महापैक को अवेल करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है. यस, इवन आई एम ऑल्सो गुड. मैं तुम लोगों के साथ आके वैसे भी गुड हो जाती हूँ. तो चलो फिर सेशन को शुरू किया जाए, और अगर सब लोग रेडी हो तो बोल दो यस मैम सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. सेशन को शुरू कर दे तो बताओ सब लोग रेडी एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन हो जाए यार. मैं भी बढ़िया उपासना, मैं तो आप लोगों के साथ बताती रही हूँ, मैं तो आती हूँ यहाँ पर बढ़िया हो जाती हूँ, ठीक है. बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ सब लोग. जय हिंद प्रदीप, जय हिंद बेटा. ठीक है, एवरीवन इज सेइंग अ डिवाइस फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड. उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो साउंड को रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिपीट करने के लिए यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं. यस मैम, एवरीवन इज सेइंग यस मैम. मिराज, अभिजीत, दिनेश, प्रदीप, ठीक है ठीक है, बढ़िया. ऑडियो फोन, फोनोग्राम, फोनोमीटर, एक्टोनोमीटर, क्या बोलते हैं. क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ. ठीक है, सही है सही है. अब आ जाओ, देखो भाई, अ डिवाइस फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड इज फोनोग्राम. क्या होता है उसको क्या बोलते हैं. बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल फोनोग्राम बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, अब मुझे बाकी सबका भी मीनिंग बता दो. ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना, है ना. ऑडियो फोन, जिससे आप कोई चीज सुनो, कोई भी गाना, सॉन्ग, कुछ भी सुनो यार. आप लोग वो नहीं लगाते हो, ईयरफोन्स जो लगाते हो उसी को हम ऑडियो फोन भी कह सकते हैं, ठीक है. फोनोमीटर क्या होता है, फोनोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग साउंड. मीटर क्या करता है, मेजर करता है, तो मेजरिंग साउंड, है ना, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप साउंड मेजर करते हो उसको क्या बोलते हैं, फोनोमीटर. एक्टिनोमीटर क्या होता होगा बताओ. एक्टिनो, ठीक है, बिल्कुल. वो डिवाइस जो यूज होती है मेजर करने के लिए हीटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ना, उनकी हीटिंग पावर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होगी उसको हम लोग एक्टिनोमीटर बोलेंगे, ठीक है. स्पेशली जो सोलर रेडिएशंस को मेजर करता है ना, दैट विल बी आर एक्टिनोमीटर, राइट. चलो बहुत ही बढ़िया भाई, सेशन को शेयर करो, शेयर शेयर और लाइक करो, शेयरो
शेयर हो सेशन को शेयर करो। केमिस्ट्री में था ना एक्टिनोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जय हिंद नेहा, तो ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म हो गया। चलो ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा। अ पर्सन हु डज नॉट ऑनर दी सेंटिमेंट्स फॉर अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे, जैसे दूसरे किसी पर्सन के सेंटिमेंट्स का, इमोशंस का कोई ख्याल ही ना हो, कोई कोई मतलब कोई सोच विचार ही ना हो, वैल्यू ही ना करे वो दूसरे के इमोशंस को उसको, तो उसको क्या बोलोगे? कैलस, इंडस्ट्रियस, वल्चरस, डोलफुल, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ए ए ए ए ए ए ठीक है। एवरीवन, ए दिनेश तुम एक बार भी आंसर दोगे तो हमें समझ आएगा। सी हो जाएगा, डोलफुल हो जाएगा। अब सोचो सोचो, तुम लोग इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो और तुम लोग इतनी लेट से आंसर देते हो, इसका मतलब तो मैं समझ जाती हूँ फौरन से कि बेटा पूरी की पूरी दाल काली और तुम लोग गूगल कर रहे हो सबकी मीनिंग। हाँ नहीं, सी नहीं होता है ठीक है। वो पर्सन जो किसी के इमोशंस का ख्याल नहीं रखता ना, उसको कैलस कहते हैं। कैलस को केयरलेस याद रख लो। स्टोन हार्टेड टाइप का, कठोर दिल वाला व्यक्ति जो है वो कैलस होता है ठीक है। अच्छा इंडस्ट्रियस क्या होता है? आपको मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी इंडस्ट्री से। सो इंडस्ट्रियस किसको बोलते हैं? बहुत ही, जिसने इंडस्ट्री बना के खड़ी कर दी वो इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, ऐसे याद रखना है ना। जिसने इंडस्ट्री बना के खड़ी कर दी वो कौन? वो इंडस्ट्रियस। वल्चरस क्या होता है? वल्चरस क्या होता है? वल्चर से याद आया कुछ? बिल्कुल, वल्चर क्या होता है? वल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। वल्चर इज अ बर्ड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद गिद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक तो ईगल होता है, एक वल्चर भी होती है ठीक है। तो गिद्ध को बोलते हैं शायद वल्चर। तो वो ना बड़ी, मतलब वो कभी भी ऐसे देखे कि कोई भी ह्यूमन बॉडी वॉडी पड़ी है तो उसको नोच कोच के खा जाती है, मतलब बहुत ही। वल्चरस इज अ पर्सन हु इज़ वेरी ग्रिडी, हु हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ वल्चर, है ना। तो जो बहुत ही ग्रिडी टाइप का, बहुत ही रेपशेसियस टाइप का पर्सन होता है ना, उसको हम लोग वल्चरस कहते हैं ठीक है। तो इसको लिख सकते हो तुम लोग, ग्रिडी लिख सकते हो, लिख देती हूँ है ना। अच्छा डोलफुल क्या हो जाएगा? डोलफुल मतलब कैसे याद रखोगे? डोलफुल की मीनिंग होती है बहुत ही सैड, ग्लूमी टाइप का। सो डोलफुल, डोलो एक पैरासिटामोल आती है, एक मेडिसिन होती है, एक तो पैरासिटामोल पीसे में एक डोलो भी होती है ना, वो इंसान जब सुस्त पड़ जाता है, बुखार हो जाता है तब दिया जाता है। तो डोलो से डोलफुल रख लो कि यार किसी को दवा खानी पड़े तो, ये तो ग्रीफ की, सैडनेस की बात है। कोई अपने शौक से दवा खाता है क्या कि वाह दवा खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, दवा खाएंगे आज, तो ऐसा तो कोई नहीं करता ठीक है। गूगल करते तो गलत नहीं होता, ये बात भी सही है वैसे तुम लोगों की। हाँ ये भी सही बात कही तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं, अच्छा ये इसका आंसर बता दो यार, इसका आंसर बता दो जल्दी से। अच्छा आगे बढ़ो उसके पहले देखो बता दूँ आपको, CISF की सभी जो PDFs हैं वो डेली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक होगा। आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको सभी सब्जेक्ट वाइज PDFs मिल जाएंगी। मेरे सब्जेक्ट की PDF भी आपको इसी वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी ठीक है, तो उसको देख लिया करो। कोविड में डोलो पॉपुलर हो गई है, हाँ डोलो के भी दिन पलट गए। अरे भैया जब कोविड ने सैनिटाइजर के दिन पलट दिए, जो कोई खरीदता भी नहीं था, लोगों को लगता था फालतू खर्चाए हैं, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक लोग खरीदते थे, बहुत ही कम लोग उसको लेते थे। अभी तो क्या देखो, एवरीवन हैज अ बॉटल ऑफ सैनिटाइजर ठीक है। टू राइटर्स राइटिंग इन द सेम एज, जब दो राइटर्स ने सेम एज में ही कोई अपनी राइटिंग्स दी हो, मतलब सेम एज में ही अपना कंटेंट पब्लिश किया हो, सेम एज में लिखा हो, उसको क्या बोलोगे? कि भाई 1890 में वो बड़े फेमस राइटर थे, वो भी बहुत अच्छा लिखते थे, तो ऐसे वाला जब सिचुएशन आ जाए ऐसी, तो क्या बोलोगे?
भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सेशन को बहुत ही ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है? जल्दी से ठीक है, ठीक है। टू राइटर्स राइटिंग इन द सेम एजेस, बी कंटेम्पररी, समकालीन, हिंदी में उसको कहते हैं समकालीन, राइट। सुनो, जब दो राइटर्स सेम एज में लिखते हैं ना तो उसको कंटेम्पररीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटेम्पररीज कहा जाता है, ठीक है। को ऑथर, ऑथर का भी मतलब ऑथर कि भाई आधी इसने कंप्लीट करी उसको और मॉडिफाई करके लिख दिया तो को ऑथर हो गए, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्पिरेटर्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे खिलाफ बैठ करके कॉन्स्पिरेसी करते रहें, साजिशें करते रहें बैठ करके। पेडेंट क्या होता है? पेडेंट ये आपको पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल। पेडेंट इज अ टीचर, बेसिकली जो आपका टीचर होता है, जैसे आपको सीखते हो, है ना, अ पर्सन हु एम्फसाइजेस फॉर सीकिंग नॉलेज, वो व्यक्ति जो तुम्हें बहुत प्रेशराइज करे, बहुत ही नॉलेज गेन करने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब हाईलाइट करे, ठीक है, ऐसे पर्सन को पेडेंट कहते हैं, सही है। चलो, इतने में कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, अगर इतने सेशन में कोई भी कमर पैर जोड़ों में दिल में दर्द है तो बताओ जल्दी से, फटाफट से जल्दी से बताइए। नो डाउट, नो दिक्कत, नो तकलीफ भाई, सेशन को शेयर किया करो। अगर आप ये सेशन शेयर नहीं करोगे CISF वाला, तो ये सेशन शेयर और लाइक नहीं करोगे तो फिर ये CISF का सेशन बंद कर दिया जाएगा। सोचेंगे अरे यार इतने जो छोटी छोटी डिटेल से कंसर्न हो, हाँ, अब फिर लोग सोचेंगे अरे यार क्या करना है, इतनी मेहनत करना, बच्चे तो कहाँ आते हैं इसमें, तो जिस जिस एग्जाम में बच्चे आए वही एग्जाम पढ़ाओ। फिर सोचो जितने पढ़ रहे हो ना उतनों का भी नुकसान हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर और लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये बताओ। द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर अ प्रीस्ट डिलीवर्स हिज लेक्चर, वो प्लेटफॉर्म जहां पे खड़े होकर के एक प्रीस्ट जो है वो अपना लेक्चर देता है, मतलब अपनी सेइंग्स को अटर करता है, उसको क्या बोलोगे? ये हैं बहुत सही वर्ड्स, अब आए तुम लोग हैं, अब आए तुम लोग लाइन पे, जल्दी से बताओ इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट से, वेरी गुड, सही है। ठीक है, फाइन, ABCD, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, वो जगह जहां पे खड़े होके, जिसको हम पोडियम बोलते हैं ना नॉर्मल उसपे, या वो प्लेस जहां खड़े होकर के प्रीस्ट अपने लेक्चर्स को डिलीवर करता है, अपनी सेइंग्स को बताते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पल्पिट। क्या बोलेंगे? पल्पिट, ठीक है। अब बाकी सब की मीनिंग आपको बतानी है, वॉट विल बी दिस एसाइल, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, फटाफट से बताइए। एसाइल सीट होता है ना, हाँ, तो बताओ जल्दी से। आपने देखा है कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली गांव वगैरह में, बताऊं क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे ना छोटे 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 घर बहुत पास पास बने होते हैं, और फिर यहाँ पे एक घर ऐसा होता है कि अगर वो घर अपना दरवाजा बंद कर दे तो लोग गांव के अंदर जा ही नहीं पाएंगे, है ना, अपनी खेत तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जो कॉमन कॉरिडोर या कॉमन पाथ होता है ना, कॉमन पाथ, उसको बोलते हैं क्या? ऐसा है, ठीक। अल्टर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? एक होता है एल्टर, TER, मतलब चेंजेस,
ये एल्टर है, टर TER है, तो क्या हो जाएगा? नहीं पता? अच्छा मैं बताती हूँ, कोई भी जो रिलीजियस प्रेमाइस होती है ना, चाहे वो आपका चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके से किनारे 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 बाउंड्री टाइप क्रिएट कर देते हैं ना कि भाई यहाँ पे जो है आप विद इन दिस रेंज आप क्या करोगे, आप वर्शिप करोगे, तो उसको बोलते हैं आपका एल्टर। ठीक है, डिसोर्स क्या हो जाएगा? एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी डायसीज, है ना? डायसीज किसको बोलोगे, जल्दी से बोलो, डायसीज किसको बोलोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बोलो, डायसीज क्या हो जाएगा फटाफट से? देखो तुम्हें यहाँ कितने सारे वर्ड्स मिलते हैं, है ना, तुम्हें यहाँ कितने सारे वर्ड्स मिलते हैं सीखने को, ये बताओ। पोडियम टाइप? नहीं, आंसर तो इसका पल्पिट सही है। ये बताओ डायसीज क्या होता है? प्लेन में भी एसाइल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, देखो दोनों तरफ सीट्स होती है, बीच में कॉमन पाथ होता है ना प्रिया, वेरी गुड। तो बताओ जल्दी से डायसीज क्या होता है, मैं बताती हूँ। इट्स अगेन अ रीजन यू नो रिलेटेड विद द रोमन एम्पायर, जहाँ जिसको बड़ा लोग अप्रिशिएट करते थे उस रीजन को, है ना, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ यू नो रोमन एम्पायर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता था उसको कहते थे। हाँ, जो बेसिकली जो बिशॉप्स लोग, बिशॉप्स होते थे ना, चर्च फादर लोग, वो जिसको जो एडमिनिस्टर करते थे जिस रेंज ऑफ ग्रुप को, उनको बोला जाता था डायसीज। ठीक है, चलो भाई, इतने में कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से, अगर इतने सेशन में कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, एकदम खटाखट फटाफट जल्दी से। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ देन प्लीज पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इतने में कोई डाउट आ रहा है? नहीं? पक्का? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलो सुनो, देखो, एन आइवरी लाइक सब्सटेंस दैट इज मेजर पार्ट ऑफ द टीथ, जो आइवरी मतलब लाइटिश येलो टाइप का सब्सटेंस होता है ना हमारे टीथ के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली जो टीथ का, हमारे दांतों का जो मतलब ओरिजिनल कलर होता है ना, इट इज येलो, नॉट माई वो नॉट वाइट। सो आर द कलर ऑफ द एक्चुअल कलर ऑफ आर टीथ मस्ट बी लाइक अ लिटिल बिट ऑफ पेल येलो, पेल येलो, हल्का पीला टाइप होने चाहिए हमारे दांत। कुछ लोग यू नो दे गो फॉर टूथ वाइटनिंग, गलत है, नहीं करना चाहिए। जो आपका ओरिजिनल कैल्शियम लेयरिंग होती है ना, वो खत्म हो जाती है, तो वो जो वाइटनिंग वगैरह करा लेते हैं लोग दांतों में, वो नहीं करना चाहिए। आपका ओरिजिनल कलर दांतों का लाइटिश येलो ही है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? ए हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कैलाश, हम तो इसीलिए यहाँ बैठे ही हुए हैं। सही है, सही है। और कोई डिमांड कैलाश? कैविटी कहते? नहीं, कैविटी तो क्या हो गया आपका, कैविटी तो दांतों में कीड़े लग गए, है ना, कीड़े लग गए तो मैं दांतों में, उसको कैविटी कहते हैं, जर्म्स जो होते हैं। ठीक, प्लेग में, प्लेग इज अगेन अ डिजीज, प्लेग तो क्या है, डिजीज होती है, बीमारी होती है वो तो। ठीक है, हाँ राइट। अब प्लेग, प्लेग आपकी डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, है ना, उसके बाद में प्लेग आपका लाइट येलो जो होता है ना, पेल येलो टाइप का, उसको भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में टार्टर, डेंटिन तो चलो आंसर हो गया, टार्टर क्या होता है जल्दी से बताओ? टार्टन एनमेटिक बोला जाता है, सो टार्टर इज व्हाट? टार्टर मतलब क्या होता है? अब देखो मैं बताती हूँ, वाइन होती है, वाइन तो अ रेड कंपाउंड और अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड, है ना, ड्यूरिंग वाइन मेकिंग, है ना, वाइन को जब क्रिएट मेक करते हो, वाइन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो रेड सब्सटेंस या कंपाउंड यूज होता है ना, उसको टार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्टर। ठीक है, चलो सही है। देखो कितनी सारी तुम लोग को नॉलेज इनहेंस होती है यहाँ पे आके, कितने सारे वर्ड्स पता चलते हैं, बट यू पीपल नेवर एवर पुट एनी एफर्ट्स इन लर्निंग एनी थिंग न्यू, कुछ नया सीखने का एफर्ट ही नहीं लगाना है तुम लोग को। चलो
हाँ पता नहीं कहाँ है डेविड सब, आज से ही तो शिवरात्रि नहीं मनाने लगे सब हैं कि भैया आज से लेके कल तक सिर्फ शिव जी की पूजा करेंगे, क्योंकि अच्छा ब्याह हो जाए, नौकरी वोकरी तो क्या वो तो लगती ही रहेगी, है ना। टार्ट्रिक एसिड भी होता है, बिल्कुल होता है। अब सुनो आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं, टुडे इज द लास्ट डे। भाई आज क्या लास्ट डे है मंथ का, और लास्ट डे है डबल वैलिडिटी का, तो आपको बता दूं सभी सभी महापैक्स के ऊपर 77% फ्लैट डिस्काउंट के साथ डबल वैलिडिटी चल रही है। मतलब 6 महीने का बैच आपको पूरे 1 साल के वैलिड होके मिलेगा, 1 साल वाला बैच आपको 2 साल के लिए वैलिड होके मिलेंगे, और महापैक्स ले लोगे तो सभी टेस्ट सीरीज, सभी महापैक्स, सभी बुक्स, सब कुछ मिल जाएगा, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगा। 1 साल तक जितने बैचेज आते जाएँ, जितनी बुक्स, जितनी टेस्ट सीरीज आते जाएँ, सब पढ़ते जाओ, सब अवेल करते जाओ, ठीक है। अलग से कोई बैच के लिए सबको अलग अलग पेमेंट नहीं करनी, बस करना क्या है Y277 का कोड लगाना है एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो ये बताओ, अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमन, है ना, जिसके अंदर महिलाओं जैसे गुण होते हैं, उसको क्या बोल रहा जाता है। ये तो ना जाने कितनी बार करा रखा है आप लोगों को। जिसके अंदर महिलाओं जैसे गुण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अरे आज नहीं है भाई, कल है। बी और सी में कंफ्यूजन आ रही है लोगों को। जल्दी से बोलो, ठीक है। अब देखो सुनो, जिसके अंदर महिलाओं, जब आपको मैं वोकैबलरी करा रही थी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला है ना, उसमें आपको उनकी जो तारक मेहता बने उसमें उनकी इमेज लगा करके मैंने आपको ये वोकैबलरी पढ़ाई थी, ना आई रिमेम्बर वेरी नाइसली, मेरे को ये चीज़ याद भी अच्छे से याद है, ठीक है। सो ऐसा पुरुष जिसके अंदर महिलाओं वाले गुण हो, है ना, जो महिलाओं की तरह हरकतें करे, उसको एफिमिनेट कहते हैं। फेमिनिस्ट वो महिला होती है जो महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाए, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी कलर द चेंज। अब आपका एक जो क्या जो नहीं, डेविड आप वो उस गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, वो आपकी डायरेक्शन जो जा रही है वो गलत है, वो नहीं हो आपका एफिमिनेट, वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है, पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे, मोनार्की सिस्टम चलता था, तो उसमें जो लोग उनको कवर करते थे, जो लोग उनको प्रोटेक्ट करते थे, है ना, बेसिकली उनको यूनिक बोला जाता था ऐसे पुरुषों को, ठीक है। फ्रेल मतलब बहुत ही फ्रेजाइल सा, ब्रोकन, ब्रोकन ईजली, जो आसानी से टूट जाए, है ना, फ्रेजाइल, ब्रोकन ईजली, उसको बोला जाता था, ठीक है। चलो मैडम मेरी एक डिमांड है, वह कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कैलाश है कि आप एक स्टूडेंट, एंड ही सेइंग कि मैम मेरी एक डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड है और कुछ नहीं है, वो ये कि आप मेरी बस एक गर्लफ्रेंड बनवा दो। कैलाश तुम बेरोजगार लग रहे हो मुझे, और बेरोजगार लड़की के साथ कौन आना चाहेगा। हाँ तो बेटा पहले गेट अ गुड जॉब, ठीक है। हाँ चलो ये बताओ, अ पर्सन हु रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से अनअफेक्टेड रहे, उसको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े इन सब चीजों से, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, बोलो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से अनअफेक्टेड रहे, वॉट वी कॉल दैट पर्सन। नहीं आ रहा, सी स्टोइक,
स्टोइक होता है, सीसीटीवी कहते हैं। नहीं, अच्छा सी स्टोइक, ठीक है भाई। ऐसा पर्सन जिसको जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत फर्क ही ना पड़े उसको स्टोइक कहते हैं। डिसइंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड ना हो, सेंट संत महात्मा। सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट जो दूसरे को दुख दे के खुशी पाए या जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए। सैडिस्ट कौन होता है? वो पर्सन जो दूसरे को वन हु फील्स प्लेजर इन गिविंग पेन टू अदर्स। वो व्यक्ति जिसको जिसे दूसरों को दुख दे के खुद में संतुष्टि मिले, जिसे दूसरों को दुख दे के खुद में अच्छा लगे। ठीक है, हाँ सही है सही है। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ूँ? इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ आगे, ये बताओ। अ कॉन्ग्रेशन ऑफ स्कॉलर्स कॉल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कॉन्फर सम एजुकेशनल रिकॉग्निशन। जय हिंद कपिल। इतना लेट? हाँ इतना लेट आए? ऐसे एक कह लो इवेंट जहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स बुलाए जाएं सर्टेन अथॉरिटीज के द्वारा, क्या करने के लिए? उनको इज्जत देने के लिए, उनको एजुकेशनल रिकॉग्निशन देने के लिए। हाँ, जो दूसरे को दुख देके खुशी हो, दैट पर्सन इज नोन एज सैडिस्ट। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब होता नहीं वो सेरेमनी, डैश सेरेमनी होती है जब तुम यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो, तो डैश सेरेमनी होती है जिसमें तुम्हें तुम्हारी डिग्री दी जाती है, तो उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं बताओ? वेरी गुड सोनिया। बी 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 डी ठीक है। देखो भाई कॉन्वोकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉन्वोकेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है। कॉन्फ्रेंस तो आपका पार्ले, कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा मैं सुनोनिम आप लोगों को बताती हूँ। इसको बोलते हैं पार्ले। ठीक है, पार्ले जी खाते खाते कॉन्फ्रेंस कर ली, ऐसे याद रखना कि पार्ले जी खाते खाते कॉन्फ्रेंस कर ली, मीटिंग कर ली। ठीक है, अच्छा एक होता है सेग्रीगेशन, एक होता है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है जल्दी से बोलो, एग्रीगेशन नंबर नहीं है, एग्रीगेशन क्या होता है जल्दी से? हाँ एग्रीगेट करना, एग्रीगेट मार्क्स निकालो। दी यू नो एग्रीगेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग, कलेक्टिंग। ठीक है, कलेक्टिंग टुगेदर, चीजों को तुम एक साथ कलेक्ट कर लो, है ना, उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एग्रीगेशन। ठीक है, कोलोकेशन क्या होता है? हाँ बताओ कॉलोकेशन क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग, जक्सटापोजिंग, चीजों को इकट्ठा करके यहां से वहां, वहां से वहां शिफ्ट करते रहना, पटकते रहना। ठीक है, कॉलोकेशन। अ कलेक्शन ऑफ पोयम स्टोरीज एसेट्रा फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स, अलग अलग ऑथर्स की पोयम्स को, स्टोरीज को, है ना, इन सब चीजों को कलेक्ट करना, इसको क्या बोलोगे? चलो इसका आंसर बताओ कैलाश, अब तुम्हारे तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कौशल, ठीक है अभी सही है कैलाश, अभी तुम खुश हो बेटा। ये बताओ जो कलेक्शन होता है पोएम्स का, स्टोरीज का, एसेट्रा, इन सब चीजों का, डिफरेंट ऑथर्स की, उसको क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी बोला जाता है। अच्छा फिलोलॉजी, एंथोलॉजी, देखो लॉजी मतलब स्टडी, ये याद रखना। ठीक है, अब बाकी आप बताओ। बी हो जाएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा। सही है सही है। अरे बस बस, गॉन ही इज गॉन नाउ, ना लोड क्यों लेते हो तुम लोग दिमाग पे, अपनी हद में रहो, इतना लोड नहीं लेना।
ही इज गॉन। चलो, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ क्या, डिफरेंट पोएम्स एंड स्टोरीज। अच्छा, एल्गी क्या होता है, जो खुशी में गाया जाए या जो गम में गाना गाया जाए, वो पोएट्री जो खुशी में गाई जाए, गम में गाई जाए, गम में मॉर्नफुल पोयम है ना, मॉर्नफुल पोयम, स्पेशली जो किसी की डेथ वेथ के बाद जब किसी की याद में फ्यूनरल में गाते हो ना, उसको कहते हैं एलिगी। ठीक है, एलिजी भी कई लोग बोलते हैं, सो इट्स अ नाउन, यू कैन प्रोनाउंस इट इन ईदर वे। ठीक है, अच्छा फिलोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी क्या होता है, किसी भी पर्सन का, ह्यूमन का, बेसिकली ह्यूमंस का जो कहते हो ना कि जो ह्यूमंस हैं हमारे, उनकी जबान कैसे, मतलब ह्यूमंस की हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट कैसे हुआ, ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको बोला जाता है क्या, आपका फिलोलॉजी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। अब आ जाओ आगे, आर्कियोलॉजी क्या होता है भैया, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, जो पुराने पुराने एंटीक्स की स्टडी करता है, ठीक है, उसको कहेंगे। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ ये, अ पर्सन हु हैज फोरसेकन हिज फेथ प्रिंसिपल्स एंड पार्टी, क्या हो जाएगा, लैंग्वेज से कुछ होगा, सही है। अ पर्सन हु हैज फोरसेकन हिज फेथ प्रिंसिपल्स एंड पार्टी, क्या होगा। गुड आफ्टरनून लेखन, इतनी लेट से आए बेटा। भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसको लाइक तो जरूर से जरूर, मतलब एटलीस्ट 50 लाइक तो तुम्हारे यू होने चाहिए सेशन शुरू होते ही। सेशन शुरू होते ही अगर 50 लाइक नहीं है तो फिर मतलब बहुत ही बड़ी वाली गड़बड़ है तुम में ही गड़बड़ है। हाँ, तो सेशन शेयर हो और वहां तुम फटाफट से लाइक कर दो, समझे। चलो ये बताओ नेक्स्ट, जल्दी से इसका बताओ आंसर क्या हो जाएगा। 12th में सेंट्रल आइडिया है, सही है, बताओ। अ पर्सन हु हैज फोर सेकेंड इज फेथ प्रिंसिपल्स एंड पार्टी, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गुड आफ्टरनून रामदीप, नियो फाइट हो जाएगा। अच्छा, नियो मतलब मैंने कुछ बताया था आपको, नियो से एक वर्ड बताया था, रूट वर्ड है नियो, किस चीज का रूट वर्ड है, अभी बताऊंगी फिर से, पर फिर से बताना नहीं पड़ना चाहिए आपको, याद रहनी चाहिए वो चीजें, है ना। एक ही चीज को बार बार भूलोगे तो नया कब पढ़ोगे, खुद सोचो, सही कह रही हो नहीं कह रही हो। मैं बताती हूँ, सुनो भाई, यहां पे एपोस्टेट हो जाएगा, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, एपोस्टेट, बिल्कुल। अब देखो नियो मतलब क्या होता है यार, नियो इज समथिंग न्यू, है ना। सो न्यू फाइट बेसिकली क्या हो जाता है, वो पर्सन जिसने नया, नौसिखिया जिसको हिंदी में बोलते हो ना, नौसिखिया, ठीक है। ट्रेटर कौन होता है, तुम लोग जो सेशन शेयर लाइक ना करे जल्दी, मतलब ट्रेटर मतलब क्या हो जाता है, ट्रेटर मतलब हो जाता है आपका धोखेबाज, गद्दार, ये सब, ठीक है। अच्छा इनफिडल क्या हो जाता है, इनफिडल, इनफिडल मतलब क्या हो जाता है कि रिजेक्टिंग अ स्पेसिफिक रिलीजन, है ना, कि भाई नहीं, मैं इस रिलीजन को नहीं मानता या मैं इस बिलीफ को नहीं मानता, तो उसको इनफिडल कहते हैं। ठीक है, चलो, न्यू मतलब ही नया, तो न्यू फाइट इज नौ सीखिया, सही है। चलो ये बताओ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स और वेरिएशन ऑफ विंड, वो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, न्यू से याद किया था, न्यू फाइट, हाँ बिल्कुल सही, न्यू इज मीन्स न्यू, हाँ। वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर होता है फोर्स, जो विंड की स्पीड में या विंड के फोर्स में जो वेरिएशन है ना, उसको मेजर करने के लिए जो यूज हो, उसको क्या बोलोगे। वेरी गुड, कोई मीटर ही है, मेजर कर रहा है तो कोई मीटर है, क्या कौन सा मीटर हो जाएगा। मैनोमीटर, अच्छा एक्टिनोमीटर अभी बताया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, ठीक। अब एनेमोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनोमीटर, ठीक। मैनोमीटर क्या हो जाएगा यार, जल्दी से फटाफट से बोलो,
ठीक है। देखो मैनोमीटर मतलब क्या, जो वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है प्रेशर इन फ्लूड, कोई फ्लूड जो लिक्विड पार्ट है उसमें क्या प्रेशर है, उसको प्रेशर इन फ्लूड लिख देती हूँ। प्रेशर इन फ्लूड है ना, फ्लूड में जो प्रेशर होता है उसको मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर क्या होता है ये मैं इधर लिख देती हूँ, लैक्टोमीटर क्या होता है यार, ठीक है। लैक्टो लैक्टो कैलामाइन सुना है तुमने, एक 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 लोशन भी होता है। लैक्टो इज समथिंग रिलेटेड टू मिल्क है ना, सो लैक्टोमीटर जो क्या प्योरिटी है, क्या क्रीम का लेवल है मिल्क में, उससे जो रिलेटेड हो दैट इज लैक्टोमीटर या लैक्टो, ठीक। चलो ये बताओ, अ पर्सन हु इज फ्रेंडली एंड लाइकेबल, वो व्यक्ति जो खूब मिलनसार सा हो, सबसे फटफट से घुल मिल जाए, उस पर्सन को क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ, जिसको सब पसंद करें, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाए। लैक्टिक एसिड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है लैक्टोमीटर, सही है। ये बताओ वो पर्सन जो बहुत ही जल्दी घुल मिल जाए सबसे, उसको क्या बोलोगे? अ पर्सन हु इज फ्रेंडली, हाँ तो उसका आंसर बताओ ना उपासना। ए ए ए, स्वयं ने बोला है डी, बाकी सब ने बोला है ए, ठीक है। अब मैं आपको एक आंसर यहाँ पे बताती हूँ, ठीक, एक एक कंसेप्ट बताती हूँ। यार देखो एमिकेबल और एमिएबल दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं है ना। एमिकेबल भी वही व्यक्ति जो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, तो उसका ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ए डी दोनों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, बिल्कुल एस के खान, जेनरस हु इज वेरी काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसे टाइप का पर्सन, ठीक है। एमोरस क्या होता है, एमोरस मतलब होता है समवन हु हैज यू नो ग्रेट डिजायर फॉर सेक्सुअल प्लेजर, तो ऐसे पर्सन को एमोरस कहते हैं, ठीक है। क्लास रेगुलरली, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेली क्लास टाइम 3 PM, तो मंडे टू सैटरडे ये क्लास डेली होती है 3 PM पे, कितने बजे, 3 बजे होती है, सही है। अ लर्न्ड पर्सन है ना, ये लर्नेड पर्सन, लर्नेड पर्सन क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है, सो लर्नेड पर्सन कौन कहलाएगा, क्या होगा लर्नेड पर्सन आपका? ठीक है ये बताओ, कोई नहीं कोई नहीं सोनिया, वो अभी मैंने कंसेप्ट अभी तो क्लियर कर दिया। बताओ जब पिडेंट, तो अभी बताया तुम्हें पिडेंट क्या होता है, जल्दी से बताओ, अभी बताया। सेज कहोगे, लर्नेड पर्सन को सेज कहते हो, सुनो पढ़ा लिखा व्यक्ति सेज मतलब वाइस, समझदार, ठीक है। पेडेंट वन हु एम्फसाइजेज ऑन यू नो इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कुछ नए सीखने के प्रोसेस पे एम्फसाइज करे टीचर जैसे, वो पेडेंट। लेक्सिकोग्राफी तुम्हारा क्या, कौन, लेक्सिको मतलब क्या होता है, ग्राफर तो लिखने वाला है ना, सो लेक्सिको मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाफट से, डॉक्टर तो तुम समझते ही हो। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको इज डिक्शनरी, सो लेक्सिकोग्राफर समवन हु राइट्स द डिक्शनरी, वो व्यक्ति जिसने डिक्शनरी लिख डाली तो वो लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वन मोर आंसर, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल, मैम सेज बंगाली बाबा, नहीं, सेज मतलब होता है आपका बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक। वेबसाइट, हाँ बिल्कुल, वेबस्टर दीदी, वेबस्टर दीदी नहीं, समवन हु राइट्स डिक्शनरी, ठीक है, हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसको क्यों बोलते हैं आपका ग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। अब मुझे जल्दी से एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, क्या सही था क्या गलत था, जल्दी से यहाँ पे मुझे ये बता दो, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, गूगल पे जाना है, और मैं बता देती हूँ डबल वैलिडिटी कैसे अवेल कर सकते हो। गूगल पे जाओ,
adda247.com ऐसे लिख के सर्च करो, यू विल गेट अ सर्च पेज लाइक दिस। तुम चाहो तो इंडिविजुअली CISF का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बट वो आपको ऐसे CISF सर्च कर लोगे तो आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टारगेट CISF लिखोगे या CISF लिखोगे तो आपको यहाँ बैच मिल जाएगा। 21 फरवरी से बैच शुरू हो चुका है। कोई भी इसमें आपकी दो जो भी 2-4-6 क्लासेस छूटती हैं आप उसको ज्वाइन करके सारी रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो, बाकी सारी क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगी। ठीक है, स्टडी प्लान लगा हुआ है यहाँ पे सभी फैकल्टीज का, सभी फैकल्टीज बेसिक से सभी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बस करना क्या है, व्यू ऑफर पे जाना है। व्यू ऑफर पे जाने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लगाओ, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है, चिंटू मिंटू पिंकू जो भी है, और यहाँ कूपन कोड Y277 लगा सकते हो, ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट इससे बेटर जो चीज़ है, देखो तुमको 8,000 का वैसे सिर्फ 1,800 मिल गया, बट इससे जो बेटर चीज़ है जो आज है वो है डिफेंस का महापैक। ऐसे लिखोगे ना, डिफेंस लिख के महापैक लिखोगे। आज मंथ एंड है ना, मंथ का लास्ट डे है, तो मंथ एंड ऑफर चल रहा है। और ऐसा नहीं है राजू, लड़कियों के लिए फॉर्म नहीं है तो क्या लड़कियां पढ़ नहीं सकती, बाकी तो एग्जाम्स दे सकती हैं, बाकी सब एग्जाम में भी तो यही टॉपिक आएंगे। तो डिफेंस का महापैक क्या है कि इसमें ये महापैक मतलब डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी मतलब 6 महीने का महापैक 1 साल के लिए वैलिड होके मिल रहा है, 1 साल वाला महापैक 2 साल के लिए वैलिड होके मिल रहा है। तो अगर आप 1 ईयर वाला भी महापैक लेते हो तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 1 साल तक 2095 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 450 वीडियो लेक्चर्स, 107 ऑनलाइन बुक्स और 370 आर की लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको पूरे के पूरे 1 साल तक जितने भी नए बैचेस आते जाएंगे, जैसे कि एफ कैट, CDS, CAPF, CIF, CISF, आर्मी, नेवी, सेलर एंट्री, CDS, जितने भी बैचेस आएंगे सभी बैचेस की लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिविजन बैच, रिकॉर्डेड वीडियो, ऑनलाइन बुक सब कुछ मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आज CISF का बैच आया उसको ज्वाइन करो, CDS का उसको अलग से पैसा देके ज्वाइन करो, एफ कैट का अलग पेमेंट करो, ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस करना क्या है, आपको व्यू ऑफर पे चले जाना है। किस पे? व्यू ऑफर पे जाना है, Y277 कोड लगाना है और अप्लाई कर देना। अब देखो सोचो, 10,000 का बैच सिर्फ 2,299 में, यहाँ बहुत सारे और भी कोड दिए हैं वो भी लगाओगे डिस्काउंट मिलेगा पर कम मिलेगा, और ये Y277 सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। यही Y277 कोड अड्डा के ऐप पे जाके लगाओगे तो आपको ये अमाउंट भी नहीं पे करना पड़ेगा। यू विल गेट एवरी थिंग लाइक यू नो विद द लोएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। ठीक, आप देखो 2,299 अगर एक बार अपने ऊपर ये खर्च नहीं होता, ये इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट कर लिया तो अलग से ना तुम्हें कोई बैच लेना है, ना तुम्हें अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, ना बुक लेनी है, ना कुछ लेना है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिया। तो अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ शेयर कर दो कि दैट दे विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट टुडे बाई यूजिंग द कोड Y277। साइमल्टेनियसली द बिग थिंग इज दे विल गेट डबल वैलिडिटी ऑन महापैक्स, है ना, बैंक, SSC, टीचिंग सभी महापैक्स के ऊपर डबल वैलिडिटी मिलेगी। बट स्पेसिफिकली हमारे हमारे ये स्टूडेंट्स तो डिफेंस के हैं, तो डिफेंस का महापैक, यार देखो डिफेंस में क्या होता है, एक के बाद वैकेंसी आती है। CDS एफ के एड गया तो CDS आएगा, CDS जाएगा तो नेवी आएगा, नेवी गया तो टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी आएगा, NCC एंट्री आएगी, तो कुछ ना कुछ आता रहता है। तो अगर तुम्हारे पास 1 साल का महापैक है तो तुम 1 साल तक सारे फॉर्म्स अप्लाई करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, हाँ 66 मार्क्स थे वेरिट में। ओ चलो कोई नहीं, बस राजू इस बार पढ़ो अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नए बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एंड यस, कीप शेयरिंग द सेशन स्टूडेंट्स, कीप लाइकिंग द सेशन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्योंकि सेशन देखो तुम CISF का बैच प्राइस, देखो ये जो आप डिफेंस का महापैक लोगे ना इसमें आपको CISF का बैच भी मिल जाएगा, बट अगर आप CISF का बैच नहीं लेना चाहते तो ऐसे आप CISF मतलब अगर आप महापैक नहीं लेना चाहते हो, सभी बैचेस ना लेके सिर्फ एक CISF का बैच लेना चाहते हो, तो आप CISF ऐसे लिखोगे, यहाँ CISF का बैच आ जाएगा। 21 फरवरी से क्लास इसमें शुरू हो चुकी है, तुम्हारी जो 4-6 क्लासेस छूट गई हैं वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, पढ़ लेना। और कल से लाइव क्लासेस में आ जाना। यहाँ पे क्या करना है, बैच तो 8,000 का है बट व्यू ऑफर पे जाना, Y277 कोड लगाना, इसको अप्लाई करना। अप्लाई करते ही 8,000 का वह सिर्फ 1,800 में मिल गया। अब 1,800 में 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए CISF का बैच लो, या फिर 1,800 में सिर्फ 200-300 रुपये लगा के अपने डिफेंस का महापैक ले लिया तो सभी बैचेस मिल गए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। दो Y277 कोड आपको हर ही जगह डिस्काउंट दिला देगा।